खुशी का पल है, महिमा ने नेट क्वालिफाई किया है और महिमा के पापा हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह गुंजोला जी हैं, महिमा की मम्मी हैं और महिमा है। तो देखिए, एक स्टूडेंट को कामयाब होने में ये त्रिकोण है, ट्रायंगल है। टीचर का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, स्टूडेंट का रोल है। स्टूडेंट एक्शन पूरा स्टूडेंट को लेना है। प्राथमिक गाइडेंस जो है ना माँ बाप की होती है, हाँ, और उसके बाद टीचर की होती है। लेकिन इस बीच में एक्चुअली क्या है, जो हमारा दिमाग है ना कंप्यूटर से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर से ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है जी सर। अब क्या है, जब उस चीज़ का तुम यूज नहीं करोगे तो मिसयूज बहुत हाई होगा, समझ पा रहे हैं जी सर। अगर हम इसी दिमाग से बना आइंस्टीन, न्यूटन, दिमाग बराबर होते हैं, ये साइंस से प्रूफ हो चुका है लगभग। मतलब ब्रेन जो है ना सबका एक जैसा है, साइंटिस्ट बोलते हैं। माइंड का डिफरेंट यानी सॉफ्टवेयर। अब जैसे कंप्यूटर आपको दे दिया अच्छे क्वालिटी का, उनको दे दिया, उनके दे दिया, हमके दे दिया, एक आदमी सिर्फ फिल्म देख रहा है रात भर, एक बन गया बहुत बड़ा स्टार कंप्यूटर से सीख के, समझ पा रहे हो। तो उसका सही उपयोग, तो ये हम अपने माइंड को कैसे अच्छा रख पाते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे आस पास में, जबकि हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है और हमारे आस पास में वायरस घूम रहा है, आपने कंप्यूटर लिया, आप समझिए कितनी बेहतरीन चीज है। और कंप्यूटर में एंटीवायरस भी नहीं है और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है और वायरस चारों तरफ घूम रहा है, तो हैंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समझ पा रहा है। इसीलिए युवा बर्बाद होता है। युवा के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा लर्निंग है महिमा के, उसने अपने इस साधन के खेल को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया मोबाइल को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल मत रखो, लेकिन जो आप स्टबबॉर्न हो, आप जो कह रहे हो कि मोबाइल ही सब कुछ है, मोबाइल के पीछे भाग रहे हो और 90% यूज मोबाइल का गलत कर रहे हो, यही वजह बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो मोबाइल का उपयोग बहुत अच्छा है, पर करें तो ये चीज है। मोबाइल तो ऐसी चीज है सर, जिंदगी ले भी रहे दे भी रहे, हाँ। ये मतलब दो चीजों में है। अगर मतलब अच्छा इस्तेमाल करो तो ये जिंदगी देगी, अगर बुरा इस्तेमाल करो तो ये खड्डा है आगे। बिल्कुल आप सही है। तो ज्यादातर जो बच्चे है ना, क्योंकि एंटीवायरस नहीं है ना उनके पास, प्रोटेक्टेड एंटीवायरस होना चाहिए। तो एंटीवायरस कौन है, आपका दिमाग उस तरह से मतलब इंस्टॉल नहीं कर पाया सच और गलत को, तो बहुत जल्दी हम स्टूडेंट से, दोस्तों से प्रभावित हो जाते हैं जी। तो होता क्या है ना, टीचर की बात ही नहीं मानते। हाँ, सर, टीचर की बात इसलिए नहीं मानते, आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का एंटी है, तो दूसरे को इंस्टॉल ही नहीं होने देता। वो कहां से होगा सर, पहले भरा हुआ है जी। आप अपने से पहले से भर दिया एक ऐसा चीज कि इसमें इस चीज को भरने के बाद दूसरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो पहले फुल हो गया, ठीक है जी। तो उसको निकालने के बाद नया सॉफ्टवेयर आएगा। बोलते हैं ना कई कई बार कंप्यूटर को रीइंस्टॉल करते हैं कि भाई ये नहीं चल रहा, आउटडेटेड, उसको खाली करना पहले। जब तक बच्चे करते क्या, क्लास में आने के बाद भी क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि क्लास में आने के बाद, इसलिए मैं बोलता हूँ, इंटरनल वर्ल्ड उसका नहीं होता वहां, और सारा खेल इंटरनल वर्ल्ड का, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो सब अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा महिमा जी। सर ये नमकीन भी लीजिए सर। मैं बहुत ही बेहतरीन पर लीजिए आप। तो आप वैसे क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं तो वैसे बिजनेस है सर, छोटा मोटा जी, बिजनेस भाई, मेहनत है बस सर जी। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, सबसे जिंदगी सबसे कीमती चीज है, लाइफ बीच में होनी चाहिए, उसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए, जो लाइफ का मीनिंग है। और हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि खा पी के बस सो रहे हैं और खुश हैं, ये तो बेकार सर। ये तो मतलब आप अपना एक्शन करते रहें और टेंशन मत ले, रोजगार बड़ा हो छोटा हो, आप अपना, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया। लाइफ ना ये नदी की तरह है, एक आपने रिमार्केबल लैंडमार्क बनाया, फिर बनाइए नया, क्योंकि लाइफ ना रुकती नहीं है, ये रास्ता है।
ये तय होता है, कोई मंजिल नहीं है कि आप नेट क्वालिफाई, जैसे मैं प्रोफेसर बन गया तो रुक गया कि भाई अब यही है, ये नहीं है, बढ़ते रहो, अनलिमिटेड है, चलते रहो, ये स्टेप क्रॉस कर गए। अब जैसे हमने बहुत काम किया, बहुत लोग बहुत काम नहीं करते, बहुत लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना आगे बढ़ते जाओ उस जैसे बिजनेस का, लेकिन इस बीच में लाइफ कहीं ना खो जाए, जो सबसे कीमती चीज है, आपस का मोहब्बत, इंटरेक्शन, बच्चों का सोशलाइजेशन, बच्चों पर ध्यान, आपस का मतलब रिलेशनशिप। ज्यादातर क्या है ना, बिजनेस करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में आपसी रिलेशन ही खत्म हो जाते हैं। सबसे कीमती चीज क्या है, यही तो है, यही तो संस्कार है, आप उसको बचा करके अपनी जीवन को, जो भी आपकी संस्कृति है उसको आप सुरक्षित रखें, उस पर आप चले, ठीक है। लाइफ ही है, हम लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई एक चीज मिल गया उसके पीछे उसको भगवान मान लिया। तो 12 साल तक साइकिल से ही मेहनत करी है। जो जो कहानी सुनाते थे, ये अभी 5 साल पहले की बात है, 5 साल हुआ है, मैं कॉलेज में 8 साल से हूँ, ऐसे करूंगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे कर लेना, हमने सारे लैंडमार्क को क्रॉस किया है जी, क्योंकि मैं एक्शन पे बिलीव, एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट, इमेजिनेशन डजंट प्रोड्यूस रिजल्ट, इमेजिनेशन इनेबल्स यू टू टेक एक्शन, अंडरस्टैंड, इनेबल करता है वो कि आप एक्शन लो, जो आप सोच रहे हो, आपने मकान का खाका बनाया तो आपने मकान बनाया ना, खाका तो पहले दिमाग में बना ना, पहले कागज पे उतरा, तो पहले अपनी जिंदगी का खाका बनाओ और फिर वो उतरेगा, किसी ने बनाया ही नहीं, वो क्या सर जी ने कह दिया, ग्रुप सी की कर लो, उसने कह दिया, तो जब तक आप अपने माइंड इस तरह से, माइंड जो है ना बिजी रहेगा, माइंड गलत चीजों में नहीं रहा सर, नहीं रहेगा, क्योंकि माइंड को डिजाइन दो, माइंड सबसे ज्यादा हंगर है, उस वो बोलते हैं ना मंदिर की तरह है, उसको जहां मौका मिलेगा कोई काम नहीं होगा, वो गलत रास्ते की तरफ भागे, माइंड को नहीं पता है गलत सही क्या है, माइंड को बस सूचना मिलनी चाहिए, अच्छा ये चलो इसके पीछे, उस पर वो कभी कभी स्वतः बिलीव करने लगता है, क्योंकि आप इशारा दे देते हैं, अब जिस चीज पे को आप इशारा देंगे ना, आपका एक्शन वैसे होने लगेगा, तो व्हाट आई से आई टेक एक्शन, माइंड को मैं सूचित करता हूँ, एक्शन लेता हूँ, वो चीज होती है, ये सत्य है, मतलब ये रूल काम करता है, ये इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बस वो सुनते हैं कि मोटिवेशनल है फलाना है, बहुत बड़ी साइंस है, दिस इज कॉल्ड माइंड साइंस, समझ रहे हैं? तो हम लोग 99% लोग हैं, अब न्यूटन बोलते हैं 5% हमने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपकी कैपेबिलिटी का, अपनी जिंदगी में अपनी पोटेंशियल का कितना परसेंटेज यूज किया, तो अगर आप पूछेंगे, हम पूछते हैं तो लोग बोलते हैं 5%, 10%, आपको किसने रोका? कोई रोक रहा है क्या? नहीं नहीं सर। अगर हम हिम्मत है साइकिल चलाने की, मेहनत करने की, शर्म से रुके, फलानी चीज शर्म नहीं करा सर हमने कभी, हाँ शर्म नहीं की है, लोग बोल रहे हैं कि भाई कोचिंग चले जाओ, मतलब सारी बात बाहर की है, अंदर की कुछ भी नहीं, इसीलिए सफलता नहीं मिलती, कुछ कुछ फिलॉसफी समझ में आ रही है, ये चीजें हैं, तो देखा देखी भी नहीं चले, नहीं चलना है देखा देखी पे, अपना स्टाइल बनाओ, अपना माइंड सेटल करो एकदम, और उसी में चलते रहो, बगल वाला चाहे कुछ भी कर दो, क्रिएट योर ओन डिजाइन ऑन योर ओन कंप्यूटर, और कंप्यूटर क्या, सारा काम यहाँ से होता है, इससे काम लो, जिससे इससे काम लेते हैं ना, इसमें हम देख रहे हैं क्रिकेट तो क्रिकेट आएगा, जो चीज देख रहे हैं सिनेमा देख रहे हैं तो सिनेमा आएगा, इससे जो करेंगे वही आएगा, और आगे का भी डिजाइन करना है, अनलिमिटेड दुनिया है, मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज है, तो खैर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं भी ठीक है, और
और बताइए क्या क्या बोलती है ये? सर वो कहते कि सर हमारा बहुत बहुत गैर करते हैं, मतलब कोई भी मतलब कुछ गलत रास्ता, मतलब शुरू से सर जब स्कूल में कहीं से भी रहे तो इसका सबसे हर जगह नाम रहा। हाँ अच्छे स्टूडेंट है बिल्कुल, चाहे नर्सरी से लेके अब तक हर स्कूल में इसका नाम ही रहा है, तीन चार स्कूल बदले हैं जी। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि वो मेहनती है। हाँ जी सर, सर मैंने शुरू से ये बोला, यहाँ पे आने के बाद ना ग्रेजुएशन में आने के बाद हमने देखा है कई स्टूडेंट को इंग्लिश में दिए हैं, कई पीछे तुम्हारे साथी वगैरह जो थी और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कॉमनली बोलना चाहता हूँ, मतलब थ्रो आउट टॉपर होने के बाद ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली क्या होता है कि हम एक पायलट है हवाई जहाज से वो जा रहा है, उसको पता है कि कहीं जाना है ठीक है, और कॉन्फिडेंट भी है, सब चीज़ है, पावर है, हवाई जहाज भी चल रही है, अचानक से क्या होता है मौसम ख़राब हो जाता है और मौसम ख़राब हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या करता है हवाई जहाज को कहीं पे उतारना पड़ता है सारे पोटेंसी होने के बाद, और उसके बाद सोचता है किसी तरह ये सारे मुसाफिर को घर पहुंचाओ छोड़ो। होता क्या है 99% लोगों को विजन ही नहीं पता है, वो बीए तक में जाते जाते स्टक हो जाते हैं, करना क्या है बात समझ पाए, वो सब बन जाते हैं भीड़ का हिस्सा। आप फिलॉसफी को समझिए, वो सब चाहे किसी भी स्कूल के टॉपर रहे हों तो वहाँ पे बस थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस आपके जैसे जरूरत है। अब समझ रहे हैं बात जी सर, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस बहुत ज्यादा है जी सर। ये जो सब लोगों ने खोल रखा है ये सब धंधा है सर। लैक ऑफ गाइडेंस क्यों है, क्योंकि एक एक दिमाग में चल रहा है कि भैया ग्रुप सी कर लो, बीएड कर लो, फलाना कर लो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जी डिसीजन को और बच्चे के मनोविरीति को नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये सबसे कीमती चीज़ है, तो प्रॉब्लम के सामने स्टक हो जाते हैं हम लोग। जैसे यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे नेट क्वालिफाई कर गए तो नेट के बाद क्या होता है फिर यहाँ पे स्टक कर जाते हैं जी, फिर यहाँ प्रोसेसिंग नहीं होता क्योंकि उनको समझ में नहीं आता आगे क्या करें। समझ में आ रही बात, यही घटना फिर यहाँ घटती है क्योंकि बीए करने के बाद एमए करने के बाद बच्चे ना समस्या में उलझ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, समझ में नहीं आता अब क्या करें, तो फिर कहते हैं यार सोनू ये कर रहा है चल मैं भी वो करूँ। समझ पा रहे हो, और वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं बैंकिंग ग्रुप सी, लेकिन आप ये भी समझो ना कि जो बंदा प्रोफेसर के लायक है वो कहाँ चला गया, बैंक में, छोटी नौकरी में चला गया ना, नौकरी में चल गया। समझ पाए, आगे जाकर पीछे आ गया। देखिए बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए चाहिए, तभी तो पेशेंस आएगा। अब भाई हम आम लगाते हैं, आम का पेड़ लेके आए इतना बड़ा तो लगाते हैं तो धैर्य तो रखेंगे कि दो तीन साल इंतजार करना है ठीक है, लेकिन पता ही नहीं हुआ आम फल देगा नहीं देगा तो क्यों इंतजार करेंगे, बकरी आके खा जाएगी। समझ में आ रही बात, तो ये विश्वास ही नहीं रहता है कि आगे क्या होगा, तो लग गए ग्रुप सी में। अब जब जिस दिन आप ग्रुप सी क्वालिफाई कर जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड कर जाएंगे सपोज, और आपका कोई विजन नहीं है तो आप बस वहीं रह के हो के स्टक हो गए। समझ पा रहे हो, तो वहाँ डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो लाइफ की पूरी फिलॉसफी बताते हैं कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज करना है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बने, जैसे कोई भी विराट कोहली बने, अपना पूरा ताकत कैसे लगा सकते हैं है पर पते नहीं कहाँ लगाना, तो बीच में हवाई जहाज रोकना पड़ता है, चलो भाई सब लोग जा रहे हैं वहाँ वहीं चलो। तो अब जैसे मैंने किया, मैंने भी हवाई जहाज उड़ाई ठीक है, तो हम भी रुके नहीं, हम डायरेक्शन लेते हैं, सोचते हैं समझ रहे बात को, और नहीं समझ में आया अरे यार यूट्यूब से क्या होता है फलाना है ढिकाना है करके, तो 99% लोगों की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाइडेंस है यहाँ के साथ भी, हाउ टू प्रोसेस प्रोसेसिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टक यहाँ पे होता है समझे, यहाँ के बाद मतलब उनको अंधकार लगता है। तो मैंने शिवानी को भी समझाया, अब मैं सुझाव दूंगा ना, हम माली हैं, अब आदमी घबरा रहा है यार फूल क्यों नहीं हो रहा या इसमें फल क्यों नहीं हो रहा, मैं उसको बता रहा हूँ रुको थोड़ा इसको ऐसे किया जाता है,
थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अधैर्य रखने का भी तरीका है, सारी वो सारी प्रोसेसिंग हम